नमस्कार, कैसेग्रेन.com से मैं हूं गोगी और आपकी यहां पर हर प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आज जो जानकारी देने वाले हैं वो काफ़ी गजब की है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। आज बताने वाले हैं कि WhatsApp में आप लोग कैसे जब वो हिंदी में टाइपिंग कर सकते हैं। बिल्कुल आपने सही सुना, अक्सर मुझसे दोस्त पूछते हैं या दोस्त सभी पूछते हैं कि हम WhatsApp में हिंदी में टाइपिंग कैसे करें या WhatsApp में हिंदी में टाइपिंग करने का क्या तरीका है। यानी WhatsApp ऐप जो हमारा है उसके अंदर अगर हम लोग हिंदी, जैसे हमारा RAM राम होता है लेकिन रे फिर आ की मात्रा और एम मैं जो वो लिख करके भेजना चाहें हम लोग मान लीजिए, तो कैसे भेज सकते हैं। तो अभी जो वो इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं, तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट बात आपसे, चैनल सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए ताकि आप ऐसी वीडियोज आप और देख सकें। अभी देखिए, इस तरफ आपको स्क्रीन में दिखाने वाले हैं हम लोग, ये देखिए बिल्कुल। हम लोग सबसे पहले जाते हैं प्ले स्टोर के अंदर, अगर आपके पास में हिंदी का टाइपिंग का कोई ऑप्शन नहीं है तो। और यहाँ पर आपको टाइप क्या करना होगा, आपको टाइप करना है गूगल इंडिक की, गूगल इंडिक कीबोर्ड जो वो आपको डाउनलोड करना होगा। आपको इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है, ये कुछ ही सेकंडों के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। छोटी सी फाइल है, उसके जरिए आप आसानी से हिंदी नहीं और भी कितनी भी भाषा में टाइपिंग कर सकते हैं। बहुत सारी भाषाएं जो वो हमारे इंडिया में बोली जाती है या विदेश में बोली जाती है, और अगर आप उसी टेक्निकल फॉन्ट में लिखना चाहें या जो वो कुछ मैसेज किसी को भेजना चाहें तो इस गूगल इंडिक की के जरिए कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो मैं आपको बता दूं कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप WhatsApp में आप कहीं पर भी कोई कमेंट करें हिंदी में कर सकते हैं, किसी भी वेबसाइट पर आप कर सकते हैं, कहीं पर चैटिंग यानी फेसबुक वगैरह कहीं भी आप जो वो चैटिंग कर सकते हैं। लेकिन मेनली आपको बताने वाले हैं WhatsApp में कैसे करेंगे। अगर आप इसका शॉर्ट एंड स्लीक जानना चाहते हैं कि पूरे मोबाइल में ही कैसे करेंगे, तो आपको आई बटन में वीडियो दी हुई है पहले से, आप वहां पर जाकर के आसानी से इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो अभी जो डाउनलोडिंग में थोड़ा सा समय ले रहा है, मैं फटाफट देखता हूँ। तो देखिए, आपके सामने जब वो गूगल इंडिक की इस तरह से इंस्टॉल हो जाएगा, आपको क्या करना है, फिर ओपन पर जब वो क्लिक कर देना है। तो जैसे आप ओपन पे क्लिक करते हैं, देखिए आपको यहाँ पर इनेबल का ऑप्शन मिलेगा, इनेबल इन सेकेंड्स, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। आपको अब देखिए यहाँ पर गूगल इंडिक की वाला ऑप्शन दिख रहा होगा नीचे की तरफ, गूगल इंडिक की बोर्ड वाला। आप उसके सामने जो एक टैपिंग का बटन दिख रहा है आप उस पर क्लिक कर दीजिए। देखिए आपको कहा जा रहा है कि क्या आप टर्न ऑन करना चाहते हैं कीबोर्ड को, तो आप ओके कर दीजिए। उसके बाद सेलेक्ट इनपुट मेथड का मतलब है कि आप कौन सी भाषा को सिलेक्ट करना चाहते हैं इनपुट के लिए, तो आप सिलेक्ट कर लीजिए। और वहाँ पर देखिए जी बोर्ड होगा या फिर कोई और इंडिक की आप यूज़ कर रहे होंगे, क्वार्टी कीवर्ड वगैरह, तो आप यहाँ पर चूज़ कर लीजिए इंग्लिश एंड इंडिक लैंग्वेज, तो आप इस पर चूज़ कर लीजिएगा। अब देखिए आपको क्या है, ऊपर की तरफ ऑप्शन दिख रहा है सिलेक्ट इनपुट लैंग्वेज का, आप इस पर क्लिक कीजिए। आपको देखिए नीचे की तरफ बहुत सारी लैंग्वेजेस मिलेगी आपको, तो यहाँ पर आपको जब वो इसको ऊपर वाला जो ऑप्शन है उसको पहले डिसेबल करना है, फिर नीचे वाली लैंग्वेजेज हैं उनमें से आप चूज़ कर सकते हैं। तो हिंदी एंड इंग्लिश ये ऑप्शन है, आप इस पर चूज़ कर लीजिए। और उसके बाद आप जैसे ही बैक जाते हैं, आप देखिए मेरे सामने अभी आपको मैं दिखाता हूँ, मैं WhatsApp यूज़ कर रहा हूँ इस समय, और यहाँ पर टाइपिंग के लिए आप जैसे ही करते हैं, पहले क्या था कि यहाँ पर ये सिर्फ नीचे की तरफ आप लेफ्ट साइड में देखिए अपना कीबोर्ड के ऊपर की तरफ जहाँ पे स्माइल बनी हुई है ABC लिखा हुआ है, लेकिन पहले वहाँ पर ABC ही होता था। उसके साइड में जो ए लिखा हुआ है, ए अनार वाला ए, उस पे आप क्लिक कीजिए और आपको वहाँ पर जब वो हिंदी में टाइपिंग, जैसे पहले ABC पे आप RAM राम लिखेंगे तो राम लिखा जाएगा, और आप फिर अगर ए वाले आइकन पे क्लिक करके RAM राम लिखेंगे तो राम लिखा जाएगा। तो इस तरह से आसानी से आप जब वो टाइपिंग कर सकते हैं अपने WhatsApp में हिंदी में। अगर जानकारी अच्छी लगी लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कमेंट में बताइए जानकारी कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी तो जरूर दबा लीजिए ताकि ऐसी वीडियोस और मिलती रहे।